है कि चोर और उसकी फैमिली प्लान कर रहे हैं कि इस घर को होटल बनाए। सॉरी, समझ गई। होटल में अंकल, वो फोटो वाली लड़की का नाम बिमला तो नहीं था? हाँ, वही तो था। जी, तू जानती है उसे? नहीं, मैं नहीं जानती। तो फिर उसका नाम तुझे कैसे पता चला? अरे, मैं नहीं जानती, दीपक जानता है उसको। पूरी बात में दीपक कहाँ से आया? अरे अंकल, वो चोर ना, वो चोर बड़ा कमीना है, पर फोटो चुरा ली पता ही नहीं चला यार। अरे यार, तू यहाँ वहाँ खुद ही मत मारना। तू या तू विमला पे रहे, या तो तू दीपक पे रहे, या तू चोर पे रहे, या तू अपने आप पे रहे। शांत अंकल। अंकल, बिमला ना वही एक्ट्रेस है जिसको दीपक विजय की वाइफ का रोल देने वाला था। ये बात अपन को ना दीपक को बतानी पड़ेगी। कहाँ से बताएंगे दीपक को? दीपक मिलना भी तो चाहिए, फोन भी नहीं उठा रहा है अपना। पता नहीं कहाँ चला गया। किसी निर्दोष आदमी को फंसाता है, बेटे को अपने माँ के घर से भगाता है। काका, अंदर पानी तो नहीं है? अरे, इसको पानी में नहीं डुबा रहा था, इसको पिंप में बिठा रहा था मैं। अरे, इसकी चर्बी उतार दूंगा मैं, छोड़ूंगा ना इसको। काका काका, एक बार दीपक को क्या कहना है वो तो सुन लीजिए। अरे क्या सुनना है, ये दीपक है, ये निकम्मा नालायक ही है। नहीं काका, हर एक आरोपी को अपनी सफाई देने का एक मौका देना चाहिए, ऐसा आप ही कहते हैं ना, तो एक बार। हाँ ठीक है, ए, बताओ बताओ, इस विजय के कमरे में तूने कीमती कपड़े क्यों छुपा के रखे? ये सच नहीं बोल सकता, बोलेगा तो सब मरेंगे। अगर मैंने सच बोला तो सब मरेंगे। बोल, क्या सोचा था तुमने? बताओ दीपक, सुधाकर के सर की कसम, सर, देना। कसम खाकर बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मैं कसम खाता हूँ, अब तक तो मैं जय का दोस्त था, भाई था, लेकिन जब से ये इंसान आया ना, तब से मेरी जगह छीन गई है। मुझे इससे जलन होने लगी है। हाँ, इसलिए मैंने इसको घर से निकालने का प्लान बनाया। सही बोला काका, जलन तो मुझे भी हो रही है। क्या मतलब, इसकी जलन मुझे भी समझ में आ रही है। देखा चाचा जी, मेरा शक एकदम सही निकला। बिमला के सर की कसम खाकर कहता हूँ चाचा जी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। कौन बिमला? अरे तुझे उससे क्या रे, निकल यहाँ से, आज के बाद तू मुझे दिखना नहीं चाहिए। सॉरी अंकल, मैं आपका आंख नहीं फोड़ सकता। अरे मैं तेरा सर फोड़ सकता हूँ, लेकिन समझे? ये फोटो तो वापस कैसे आई? ये मेरी बीबी का फोटो है, मेरी बीबी फोटो है, देना। मैंने दूंगा। अरे, उसकी बीबी पे नजर डालता है? नहीं। अरे तेरा साया भी इस तस्वीर पर पड़ना नहीं चाहिए, समझे? निकल जा। ये लो। रुकिए चाचा जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। इस कमीने से जितना दूर रहूंगा उतना मेरे लिए अच्छा है। चाचा जी, कंधे बांध रखिए अच्छे से। हाँ हाँ, चलिए। दीपक, तूने मेरे सर की कसम झूठी तो नहीं खाई थी ना? सुधाकर जी, हाँ? मुझे यहाँ पे थप्पड़ पड़े हैं और आपको कसम की पड़ी है। वो बाद में देखेंगे, पहले ये बता, तूने झूठी कसम नहीं खाई थी ना? नहीं। ऐसे नहीं, सर पे हाथ रख के कसम खा के बोल झूठी कसम नहीं खाई थी। मैं आपके सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैंने आपकी झूठी कसम नहीं खाई थी। सुधाकर जी, दीपक, सुधाकर जी, काम कर, चल हवा में जाके बैठते, थोड़ी जलन कम होगी। अरे यार, ये दीपक का भी फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। पहले वो विजय कम था, अब उसकी बीवी भी यहीं आएगी। अच्छा, तो तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है? अरे पहले कम से बीच तो करा कीजिए। कैसे जमता है आपको? कैसे जमता है ऐसे अचानक प्रकट हो जाना? क्योंकि तुम्हारे जैसे गलत आदमियों पर नजर रखना ना मेरी आदत है। क्या गलत किया मैंने अभी जया जी, क्या गलत किया? तुम
अपनी भाभी को प्रॉब्लम बोल रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने क्या गलत किया। मैंने प्रॉब्लम कहा? मैंने प्रॉब्लम कहा? मैंने कहा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ये कहा मैंने। आपने गलत सुना। लोग तो मेहमान के आने पर भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन तुम तो अपनी भाभी के आने पर इतने ना खुश हो। इतना छोटा दिल है तुम्हारा। दिल छोटा नहीं है, दिल छोटा नहीं है, आपका ये सेवाश्रम छोटा है जया जी। हम पहले ही इतने सदस्य हैं यहाँ पर, हमारे परिवार में एक और सदस्य बढ़ जाएगा, कहाँ रहेंगे बताइए। प्रॉब्लम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अच्छा अच्छा अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है। पूछी ना पहले। तुम और विजय तुम्हारा कमरा शेयर कर रहे हो, अब तुम्हारी भाभी आएगी तो तुम्हें तो अपना कमरा देना पड़ेगा ना उनको। हाँ एक मिनट, ये कब तय हुआ? अभी देखो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, चुपचाप अपने भाभी की आने की तैयारियां शुरू करो और गलती से भी उन्हें भगाने की कोशिश मत करना, समझे? अब हटो यहाँ से, हटो। कैसी मुसीबत है यार, कैसी मुसीबत है। दीपक, बिमला कहाँ है? ये मुझसे मत पूछो यार, कमर टूट गई है। ओह, बिमला की कमर टूट गई, अब वो नहीं आएगी। कोई बात नहीं, इसका मतलब है मैं बिमला का रोल करूंगी। तूने उसे फोन करके कहा तो है ना कि उसे यहाँ आना है? हाँ। वो आने वाली है ना? हाँ। आ रही है का? Take this away, man. वो तो आ गई ससुर जी, अभी चिंता करने की कोनो बात नहीं, हम सब संभाल लेंगे। का संभाल लेंगे? ओ क्या संभाल लोगी? ए यूरी, तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या बोल रही है? बताती हूँ। देख, मेरा दिमाग एकदम ठीक है, पर क्या है ना, बिमला बीमार हो गई है, तो मैंने सोचा कि मैं बिमला का रोल कर लूं। अरे क्या बोल रहे हो तुम मालपानी? डोंट वरी पीसी, मैं माँ का रोल भी करूंगी, बिमला का रोल भी करूंगी, जैसे ये करता है ना, दीपक का रोल भी और ज्ञानचंद का भी, सेम टू सेम। अरे सोचना भी मत, तुम सोचना भी मत, ये भी करूंगी, सोचना भी मत। पर क्यों? लोखंडे जी ने बिमला की तस्वीर देखी है, उनको पता है बिमला कैसी दिखती है, तुम प्लीज उस तरफ जाना भी मत प्लीज। तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना, अब बता रहे हो मुझे। अरे लेकिन तेरे को किसने बोला कि बिमला की तबीयत खराब है? हाँ। येड़ी। अभी तो इसने बोला कि उसकी कमर टूट गई है। अरे अरे मिस मालपानी, मैं मेरी बात कर रहा था। ओके। लोखंडे जी ने मेरी पिटाई की तो मैं बोला कि कमर टूट गई। थैंक गॉड। अंकल, इधर लोखंडे जी ने मेरी पिटाई की और आप भगवान को थैंक यू बोल रहे, कैसे हैं आप? अरे तेरी पिटाई के लिए नहीं, बिमला की तबीयत ठीक है और वो यहाँ पे आ रही है, इसलिए मैंने थैंक यू गॉड बोला। हे मैन दीपक, अपन आ गया। हाँ? हेलो, हेलो एवरीवन। हाय, हेलो। अरे बैठिए बैठिए। अच्छा है? अरे वो मैन दीपक क्या है ना, अपन बैंड्रा गया था ना सैंड्रा का बीमा निकालने के वास्ते, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। हाँ। अभी ना तुम हमको सबका इंट्रोडक्शन दे दो फटाफट, तो मेरा मीटर चालू हो जाए। हाँ? मीटर चालू? मैन, मीटर से याद आया, तुम सब लोगों की लाइफ का मीटर कभी भी डाउन हो सकता है। अरे यार, तुम सब लोग ना बीमा करा लो। हाँ। बॉबी जी, आप पहले चुप रहिए, मैं खुद आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। हाँ?
ये है उर्मिला जी जो तुम्हारी ननद करोल करेंगी। हेलो हेलो नमस्ते। और वो है मिस मालपानी जो तुम्हारी सास करोल करेंगी। बैठना। मैं दिख नहीं रही हूँ ना, सामने खड़ी हो गई। हेलो हेलो। और तुम्हारे हस्बैंड का नाम है विजय और तुम्हारे जेठ का नाम है जय जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है। ए मैन दीपक, ये ओल्ड मैन कौन है? ओरिया। अरे ये ओल्ड मैन नहीं है, ये तो यंग मैन है। ये है तुम्हारे ससुर जी, मेरा मतलब है तुम इनकी बहू का रोल करोगी। इनका नाम है प्रेमचंद जी। अरे हेलो प्रेमचंद अंकल। प्रेमचंद अंकल आपको एक बात बोलेगा, बुरा नहीं मानेगा? नहीं। क्या है ना, अपना आदत है जो है वो मुंह पे बोलने का। क्या है, आपका भी ओल्ड एज हो गया तो आपका विकेट कभी भी डाउन हो सकता है। उससे पहले आप मेरे से एक अच्छा सा बीमा निकालो। हाँ अरे तो किसको लेकर आया, ये बिमला है या फिर कोई बीमा एजेंट? हाँ यार हर बात पे बीमा बेच रही है, ये एक्टिंग तो करेगी ना। वो क्या है कि ए मैन मेरे को बोलने दो ना। क्या है अंकल, बीमा ना अपन का फैमिली बिजनेस है, पूछो ना दीपक को। हाँ नहीं पता। हाँ मैन दीपक। तेरी लाइफ का दीपक कभी भी ऑफ हो सकता है। उर्मिला तो तू भी ना अपने पास से एक अच्छा सा बीमा करा ले। हाँ देख बॉबी, मेरा दिमाग पहले ही बहुत गर्म है, अगर तूने बीमा करना। मैन मेरे को गर्म से याद आया अभी कितना गर्मी है। तो आंटी तुम ना चेयर्स में मिस माल पानी, जितना समंदर में पानी नहीं पता चल गया इसका। समुंदर तक जाने की जरूरत नहीं, पता चल गया। हाँ समुंदर का मालूम चल गया, अभी आप बैठ जाओ। हाँ हाँ वही तो, अपन क्या बोल रहा था आपको, आप ना मेरे पास से एक अच्छा सा बीमा निकाल लो। गर्मी का बीमा से क्या लेना देना, कुछ भी। ए ये भी एड़ी है क्या? अरे अपन एड़ा नहीं है तो वो क्या है, गर्मी में डिहाइड्रेशन होता है ना, इसी वास्ते बोलता है आंटी आप ना। चांस मिलेगा मिस माल पानी। ओके मिस माल पानी, मिस माल पानी समुंदर वाली। हाँ हाँ वही। तो अपन क्या बोलते हैं आपको, मेरा एक अंकल था वो गोवा को गया समर में हॉलिडे मनाने के वास्ते। हाँ उधर बीच पे उसको इतना गर्मी लगा कि वो गोवा से सीधा गॉड के पास पहुंच गया। इसलिए आपको बोलते हैं आप भी ना मेरे पास से एक बीमा करा लो, जास्ती महंगा नहीं मांगता है, सिर्फ 5 लाख का। हाँ 5 लाख सॉरी वो तो मेरे लिए चिल्लर है, मैं 5 करोड़ के नीचे बात तक नहीं करती। अरे इतने बीमे का तो प्रीमियम में गिनने को नहीं आता अपने को। ये अंकल थोड़ा काउंटिंग करो ना, अपन अभी फॉर्म निकालते हैं और आपको ना बीमा। चुप, एकदम चुप, एकदम चुप। जब से आई है हर एक सेंटेंस में बीमा 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 बीमा, तेरे भीमे ने तो मेरे दिमाग में घुस के लड़ कर दिया है। अब एक और बार तूने ये शब्द यूज किया ना तो तूने जितने भीमे किए उसकी पोटली बना के ना तेरे मुंह में ठूस दूंगी। क्या बात है मालपानी, क्या बात है। वाह समुंदर वाली वाह मालपानी, कितने सालों बाद तुमने पते की बात की है, बोलो है ना, मानते हो? वेरी गुड वेरी गुड। अरे मैन मालपानी से याद, फिर बोली तू। Keep quiet. दीपक ये है तेरी कास्टिंग। क्या करती हो बॉबी, ढंग से कुछ। हाँ नहीं तो पगड़ी वाले अंकल के सामने अगर इसने ए मैन ओ मैन करके बीमा बेचना शुरू कर दिया ना तो हो गया अपन सब लोगों का कल्याण। गड़बड़ लगता है हमका एका भोजपुरी सिखाना पड़ी ये। अरे मैन भोजपुरी से याद, तेरी तो याद का तो। एक मिनट मैन, मैन दीपक ये मेरा पर्स पकड़ो। अरे वो कहा है कि हमका भोजपुरी भी आवत है।
हम 2 साल बनारस में तो रहे और वहाँ 200 लोगों का बीमा निकाले रहे और वहाँ से फिर हम गए गुजरात, तो मने गुजराती पण आवडे छे। ओरे पूरा 150 लोगों नो बीमा उतारियो छे मैं त्यां, अने त्यां थी हूँ गई मुंबई। तर माला मराठी पण येता चांगल्या पैकी। अरे जय महाराष्ट्र आपला मुंबई। आणि तिथून मी गेले कोलकाता, बांगला शब्द आष्टिया मला भीषण भालो भाषा भीषण, लेकिन साडे पंजाबी दी ते बात ही कुछ और है। अरे साडा प्यो भी पंजाबी है। अब बोलो मैन कौन सी भाषा में डेमो दिखाऊं, तमिल तेलुगु कन्नड़ा? हाँ मैन बोलो बस। वाह 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 अभी। थैंक यू। देखी ये है मेरी कास्टिंग। बस। अरे मैन मेरे को कास्टिंग से याद आया। अच्छे तेरी तो याद है मिस मालपानी। ओह मिस मालपानी। हे मैन पर ये बोल रहा था कि वो जो फोटो में नौजवान लौंडा दिखाई दे रहा है ओके मेहरारू का कैरेक्टर वा करना है ना हमको? नहीं नहीं वो नहीं 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 वो तुम्हारे जेठ हैं। तुम्हारा पति कोई और है। अच्छा अरे मैन पति से याद आया। तेरी भीमा की तो पूरी आप मालपानी चुप एकदम चुप। ये तो ऐसे बाबा की सेवा का ड्रामा करके उनका दिल जीत लेगा फिर हमारी बैंड बजाएगा। नहीं 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 इसे रोकना होगा, इसे रोकना होगा। कुछ करो। अरे बोलो कैसे कुछ काम है? हाँ हाँ लोखंडे जी, अरे मैं ये कह रहा था मैं तो जा रहा हूँ स्टेशन, बिमला आ रही है ना उसे लेने जा रहा था। मैं ये सोच रहा था विजय भाई को भी साथ में लेके चलता हूँ, बिमला देखेगी उसे कितनी खुश होगी, है कि नहीं? अरे हाँ बहुत अच्छा। ए जा रे अपनी बीवी को लेने जा, जा 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 भाग भाग भाग। लगता है जय का बच्चा बाहर ले जाकर मेरी पिटाई करना चाहता है, लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। चाचा जी हम कह रहे थे कि आप भी चलिए स्टेशन, बिमला आपको देख के बहुत खुश हो जाएगी। बिल्कुल खुश नहीं होगी। मैं इसलिए कह रहा था लोखंडी जी उसने कभी आपको देखा ही नहीं है। हाँ बिमला ने कहाँ देखा है, उसे पता ही नहीं ना, तो फिर कैसे खुश होगी, ये कुछ भी कह रहा है। अरे चाचा जी बिमला को हमने फोन पर आपके बारे में सब कुछ बता दिया है, पगली एकदम उतावली है आपसे मिलने के लिए। अच्छा ये बात है। हाँ। तो फिर चलते हैं हम भी। काका मुझे नहीं ले जाएंगे और अगर ये विजय का बच्चा गया तो काका को मस्के मार मार कर मेरी जगह ले लेगा। ठीक है फिर चलते हैं हम सब। हाँ, चलो चल काका एक मिनट। हाँ। जय भैया को और विजय भैया को ही जाने दीजिए स्टेशन। आप आपका चेहरा तो देखो कितने थक गए हो आप आराम करो मैं आपके पैर दबाता हूँ। सुधाकर जी क्या बात कही आपने, बिल्कुल सही कह रहे वो। लोखंडे जी बाहर इतनी गर्मी है क्यों आना है आपको, आराम कीजिए आराम कीजिए। तो जय भाई एक काम करिए आप हो आओ स्टेशन। कहे कि सुधाकर भाई बेचारे अकेले चाचक पैर दबाएंगे हमसे देखा ना जाएगा, हम भी मदद करना चाह रहे हैं सुधाकर भाई का। चाचा अच्छी बात है ना, मदद करूंगा सुधाकर भाई की तो। हाँ भाई मजा आएगा। अच्छा बहुत वो स्मार्ट बन रहा है, अभी निकालता हूँ इसकी चालोगिरी। जाओ जाओ जाओ। हाँ चलिए ठीक है फिर मैं लेकर आता हूँ विमला को, जाता हूँ स्टेशन। हाँ अरे वो लोखंडे जी आपके हाथ पे कोई दाग लगा है लग रहा है। हाँ बेटे वो क्या है दीपक को मारते मारते हाथ गंदा हो गया। तो फिर साफ करके आइए ताकि मैं भी अपने हाथ साफ कर सकूं। ठीक है मैं अब भी हाथ साफ करके आता हूँ। चाचा जी चलिए मैं आपका हाथ धुलवा देता हूँ चलिए।
ये तो काका के दिल में मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। ओ भाई ओ, क्या धुलवा देता हूँ। नहीं नहीं मतलब हम दोनों एक ही काम करेंगे, कितने बड़े अच्छा नहीं लगता है ना। मैं हाथ धुलवाता हूँ, आप दूसरा काम कीजिए। अब काका के लिए चाय बना दीजिए। अरे सुधाकर जी क्या बात कही आपने, क्या चाय बनाते हैं, बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं। अरे सुधाकर जी एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। आप चाय काका आप आओ। आइए आइए चाचा। आइए आइए आराम से चाचा आराम से। बहुत चर्बी है ना तुझे, बहुत चर्बी ना। जब तक तू इस घर में रहेगा ना थोड़ी काटा जो उतर जाऊंगा। हाँ नहीं छोड़ेगा, मैं छोड़ूंगा ऐसे गिर जाऊंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.